ओके सो हे गाइस, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। सो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 5M यानी जिसमें आप रोल प्ले करते हो उसमें आप लैग कैसे फिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये जो न्यू जब एपिक गेम्स पे भी ये गेम फ्री हुई है तो सब एकदम से चढ़ गया और सबके साथ ये इशू आ रहा है कि 5M पे जो गेम है वो बहुत ज़्यादा जो है लैग कर रही है। उनके वो स्टोरी मोड में तो इजीली खेल लेते हैं 60 FPS में, लेकिन 5M में नहीं खेल पा रहे, क्योंकि यार 5M में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, लाइक रॉक स्टार क्लब, एपिक गेम्स, स्टीम को भी अपने बैकग्राउंड पर रखना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा CPUs लेता है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि GTA 5 है उसके जो शेडो क्वालिटी उसको कम कर देंगे, तो जिससे आपकी जो गेम है वो सही लगेगी, यानी इसके शेडोज़ कम हो जाएंगे, लेकिन आपके जो FPS हैं वो अच्छे आएंगे, प्लेबल होगी गेम, आप इजीली 60 FPS खेल सकते हो। और जिनके पास लो एंड PC है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। सो ये प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको अपने PC की स्पेक्स दिखा देता हूँ। कोर टू क्वाड Q90 400, 5 GB DDR2 रैम है, और मेरे पास GT730 ग्राफिक कार्ड है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंडेड यू कि आप Windows 7 पर मत जाओ, ये Windows 7 पे, क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स हैं अब शायद आगे इसके ड्राइवर्स अब ना है Windows 7 के लिए, क्योंकि Windows 7 को माइक्रोसॉफ्ट ने भी सपोर्ट करना छोड़ दिया है। सो अब इसके अपडेट नहीं आएंगे Windows 7 के, तो आप Windows 8.1 या Windows 10 की तरफ जाएं, सो दिस इज़ गुड फॉर यू। ओके एंड ये एक सजेशन है, ये ज़रूर कीजिए, अगर Windows 10 है तो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, सही है, जिनके पास नहीं है वो भी देखें, सेकंड स्टेप उनके लिए हेल्पफुल है। तो जिनके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है उनके लिए मतलब और ज़्यादा अच्छी बात है, तो और ज़्यादा FPS पे खेल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके कंट्रोल पैनल में जाना है, NVIDIA के एडजस्ट इमेज सेटिंग विद प्रीव्यू में जाना है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसमें प्रेफरेंस एम्फेसाइजिंग और इसको परफॉर्मेंस पे ले जाओ एंड अप्लाई कर दो। ओके ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, तो कहीं पे क्लिक नहीं करना हुआ, नहीं नॉट रिस्पॉन्डिंग करते हुए एकदम से। ओके सो ये सबर करना, मैनेज 3D सेटिंग में जाना है दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पर सही है, यहाँ पर अपने प्रोग्राम सेटिंग में जाना और यहाँ पर भी रुकना है, कहीं क्लिक नहीं करना, इसको लोड होने दो, 30 सेकंड या 20 सेकंड लेता है ये ज़्यादा से ज़्यादा। ओके सो यहाँ पे अब आपने ऐड करना है, यहाँ से आप ऐड करेंगे 5M की फाइल, आपने जाना है और यहाँ से आपने 5M की जो फाइल है उसको ऐड सेलेक्ट फॉर उसमें कर देना है, सही है। तो यहाँ पे आपने जो सेटिंग है ये आपकी सेटिंग किस तरह की होगी, यूज़ ग्लोबल सेटिंग वगैरह फिर, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज़ करनी है, OpenGL रेंडरिंग GPU को आपने G4 GT730 पे करना है, ताकि इसकी जो रेंडरिंग होगी वो आपकी GPU पे होगी। पावर मैनेजमेंट कोड को आपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे करना है, और आपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे तब करना है जब आपके पास डेस्कटॉप PC हो, लैपटॉप यूज़र्स मत करें। ओके और यहाँ पे आपने इसको टेक्सचर फिल्टरिंग को आपने ऑन कर देना है। ओके और यहाँ पे इसको भी परफॉर्मेंस पे करना है, अच्छा थोड़ा और अच्छा PC यानी आपकी पावर सप्लाई अच्छी है तो इसको हाई परफॉर्मेंस पे कर सकते हो, टेक्सचर फिल्टरिंग को भी आपने यहाँ से ऑन कर देना। ओके उसके बाद आपने ये सेटिंग्स रखने के बाद आपने इसको सिंपली यहाँ से भी अप्लाई कर देना है। ओके सो ये दो स्टेप हैं, क्विक था, और ये थर्ड स्टेप जो है ये इससे आपको जो है फ्री 5% CPU यूसेज मिलेगी। और यार गेमर्स के लिए जो होती है ना, जो लर्न गेमर्स होते हैं जिनके पास लर्न PC होते हैं, उनको पता होता है कि 1% CPU यूसेज भी कितनी होती है। सो यार इससे क्या होगा कि जो एनिमेशन वगैरह जो हो रहे हैं ये विंडोज़ पे, जब हम उसको होल्ड करके नीचे ले जा रहे हैं तो ये जो हो रहा है सो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जो एनिमेशन वगैरह बन रहा है इस टाइप का, ये डिस्कॉर्ड में सॉरी ओके इसको करूँ तो ये इस तरह जो खुला ये नहीं खुलेगा, बट ये सिंपली खुलेगा, तो इससे आपको जो है 5% CPU यूसेज एक्स्ट्रा मिलेगी आपके PC को। तो आपने क्या करना है, सिंपली दिस PC के प्रॉपर्टीज़ में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सेटिंग्स, ओके यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट पैसा वहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका जो विंडोज़ है वो बहुत ही अजीब से लगेगी, लाइक विंडोज XP, लेकिन आपकी जो गेम है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो ये सब सेटिंग करने के बाद आप इजीली 50 to 60 FPS पे खेल सकते हो इन लो एंड PC। सो यार वीडियो आपके लिए बिल्कुल जरा सी भी हेल्पफुल रही हो, सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना, एंड हम 1K सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज हैं, तो यार इससे पहले करा दो, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।